गौड़ी माझ महला पंजवा। गौड़ी राग दे माझ जाति पंजवें पातशाह का पावन शब्द है। हर राम 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 राम, जाप पूर्ण होए कम रहाओ। रामा तो पाव हे भाई हरी राम, जो सारे रमिया होया परमेश्वर है। राम जो रमन करके करने योग है, उदे जपन नाल सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। तुसी भी जपो, क्योंकि राम दा नाम जपन नाल सारा कुछ पवित्र भी हो जाता है। राम रमे हुए परमेश्वर नू कहा, राहो विश्राम दे के कहंदे ने, राम गोविंद जपेंदे आ होआ मुख पवित्र। राम अते गोविंद आदिक नामा नू जपदे आ मुंह पवित्र हुंदा। ए उदे नाम ने राम गोविंद हरि नारायण दामोदर माधो मुरारी, जिहड़े भी उहदे नाम है। जदों साडी चित दी बिरती उस पासे जुड़दी है, असल विच काम अंदरों बिरती करदी, बिरती सुरती जदों जुड़दी। नाम उहदा कोई भी रख के जप सकदा इंसान, पर जदों गुरु मंत्र दिंदा। इह कलयुग दे समें विच पहलियां समें विच गुरु वल्लों मंत्र हुंदा सी। नारद मुनि जी ने भी उपदेश दिता। सो जिवें भगत प्रहलाद जी कहिंदे ने, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। उन्होंने श्री गोपाल नाम, गो नाम गोपाल, कृष्ण जी का यह नाम सी, पर वो तो सतयुग च होए ने प्रहलाद जी, तो कृष्ण जी होए ने द्वापर च। फिर उदों गोपाल नाम किवें आ गया, उदों हरी नाम किवें आ गया। इस करके ये नाम असल में सारे परमेश्वर दे ही ने। राम भी परमेश्वर का नाम है, पर बाद विच जिहड़े अवतार होए ने उन्होंने जे वह नाम रखे ने, तो यदा मतलब वह नहीं कि हुण परमेश्वर कह लिए। परमेश्वर परमेश्वर ही है। प्रहलाद जी ने किन्ने ही नामां द्वारा परमेश्वर का कथन किया। परमेश्वर नूं भावना नाल जे कोई ध्यांदा है गुरमंत्र लैके, वह भी ठीक है। जिवें किसे जट जिमीदार ने पुराने समय विच कई हजार साल पहला खेती करता सी कोई बंदा पिंड दा, उन्हें मंदिर विच कथा सुनी, विष्णु जी का स्वरूप दस रहा सी पंडित। लक दे नाल ओह आड़बंद बंधदा, उन्हों सिर्फ होर गल्लां भुल गईयां, आड़बंद चेते रह गया। लक नूं सोने की बैल्ट जी बनी हुंदी इक पुराने संगली जी वांगू चौड़ी जी, वह आड़बंद हुंदा। वह जिमीदार नूं होर तां सब भुल गया, वह बाहर जंगल च बह के आड़बंद आड़बंद ध्यान उहने विष्णु दा ही रख्या। उन्हें सोचा उहदा नाम आड़बंद होवेगा। वह आड़बंद जपदिया विष्णु जी ने उहदी भावना नूं जद देखिया, कहिंदे लक्ष्मी मेरा एक नवा ही भगत होया, मेरा नवा ही नाम रख्या उहने, कहिंदे चल उहनूं दर्शन देईए चल के। सो इस करके है कि भावना नाल कोई भी परमेश्वर का नाम किसे तरह भी लवे, किसे भी नाम नूं जे लैंदा है, असल विच साडा मन ही परमेश्वर वल नूं जदों लग जांदा है। जे कल्ला इन्ना ही कही जाइए तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, इहदे नाल भी प्राप्ति हो जाती। जे वे एक बार मन लगना चाहिदा साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। जिन्हां ने अपार परमेश्वर नूं भाओ प्रेम नाल भाख्या तो भाव हुंदा है उचारण किया है, उसे उत्ते उन्हें कृपा कर दित्ती। राम गोबिंद जपेंदिआं होआ मुख पवित्र। राम गोबिंद कहिंदिआं होइआं ध्यान भी परमेश्वर विच होवे तां परमेश्वर दी प्राप्ति हो जांदी। हर जस सुणीआ जिस ते सोई भाई मित्र, जिस पासों भी हरि दा जस सुणिआ जांदा उही भरा है अपना, उही असली मित्र है साडा। कोई भी सानूं जस सुणाउंदा सो भाई सो मेरा वीर। महाराज चौथे पातशाह भी यही कहिंदे ने कि मेरे हर प्रभ की कोई बात सुनावै सो भाई सो मेरा वीर। इस प्रकार महाराज कहिंदे जस सुणदे जिथों उही भरा है साडा, उही असली मित्र है जो सानू सही रस्ता दस रहा। सब पदार्थ सब फला सर्ब गुणा जिस माहें, सारे पदार्थ सारे फल ते सारे गुण जिस परमात्मा दे विच ने। क्यों गोविंद मनहों विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। उस गोविंद परमेश्वर नूं मन विचों क्यों भुलाईए आपां,
जिदे सिमरन करन नाल सारे दुख ही दूर हो जाते ने, उहदा आपां नूं नाम जपना चाहीदा। रौले गौले ज्यादा ने लोगों विच, आपसी ईरखा लड़ाई झगड़े ज्यादा ने, नाम जपन नूं कोई तैयार नहीं। इत्थों तक वी जे दो धर्मां वाले लड़दे होण, आ नहीं ठीक आ नहीं ठीक, उन्हां दे कोल हौली क जाके कहो चलो बई आपां दोने तिने जाने बैठ के नाम जपीए, वह दोनों ही भज जाणगे। उत्थों जिन्ना मर्जी धार्मिक व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते होण, नाम की गल सुनदी दौड़ जाते हैं, क्योंकि नाम जपना किसी मनुख नूं भौंदा ही नहीं। ज्यादातर सतगुरु कहने जिहदे सिमरन करन नाल दुख जांदा उहदा सिमरन तां नहीं करदे, पर झगड़ा बहुत करदे, आपस लड़ाई बहुत करदे। धर्म के नाम ते लोग लड़ी ही जाते लड़े, और धर्म नूं भी बदनाम करके रखता सारयां ने, ते धर्म तो आम बंदे नूं नफरत ही करा दित्ती। आम बंदा बेचारा धर्म तो ही डरी जांदा। इस करके जिहड़ी सी गुरुद्वारे विच जां धार्मिक स्थानां ते नाम दी गल, नाम दी तां इत्थे गल ही नहीं हैगी। नानक कह कर केवल नाम, किसे गुरु घर च देख लो, किसे मंदिर च देख लो, किसे मस्जिद देख लो, किते है नाम दी गल, सब सियासत चलदी है, सब राजसी लोग कट्ठे होए हुए ने, जिथे देखो सब राजसी गल। ये गुरु घर बने सी सिर्फ नाम जपण नूं बंदे दी चंगे भले वास्ते, ते जे कोई कहिंदा फिर उहदे ते कहरी निगाह हो जांदी। ये सानू समझाउंदा गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ नाम जपाउंदे ने बस। जे नाम जपीए कुछ करन दी लोड़ नहीं पैंदी, सब कुछ आपे ही हो ही जांदा। जे नाम नहीं जपदे फिर कुछ भी नहीं हुंदा। इस करके जदों आपां टिकट लैके जहाज विच बैठ जांदे आ, आपां की करदे आ, कुछ भी नहीं करदे, सीट ते बैठे रहिंदे, खाई पी जांदे आ। कहिंदे आ गया भी तुहाडा देश, ते लाउण वाला आपे चलाउंदा, पायलट चलाउंदा, जहाज खरीदना भी नहीं पिया। खरीदना होवे तां बहुत औखा, माड़े जे डालरां दी टिकट ही लई सी। इस करके सतगुरु महाराज कहिंदे ने कि मैं तुहानूं सारा कुछ बना के दिता, गुरु घर दिते ने, गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप है, संगत है, कीर्तन दा लाहा नहीं कोई लैंदा, कथा दा लाहा कोई लैके राजी नहीं, कोई नाम जप के खुश नहीं, सिर्फ झगड़े, सिर्फ ये है कि आ नहीं ठीक आ नहीं ठीक, इन्हां गल्लां विच ही सारे जने पै गए ने। पर सतगुरु की सिक्ख्या लैके जे आप नाम जपीए, क्योंकि असल विच अज दुनिया अंदर आपसी जिहड़ी ईरखा है एक दूजे नाल, इस करके है कि नाम जपण वाले अंदर ईरखा भावना आउंदी ही नहीं, वह तो हरेक नूं इको ही समझी जांदा। ईरखा आउंदी उदों जदों आपां नाम जपना ही छड्ड दिंदे आ। नाम ही साडे विच प्रेम पैदा करदा, ताइयों सतगुरु ने इत्थे कहा सब पदार्थ सब फला सर्ब गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारिया जे सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लग्या जीवी है भवजल पई है पार, जिहदे नाम रूप पल्ले नाल लगन करके सफल जिउणा हुंदा ते संसार समुंदर तों पार लंघ जाईदा। मिल साधू संग उधार होए मुख उज्जल दरबार, साधुआं नाल मिल के उस वाहिगुरू नूं सिमरीए तां कल्याण हुंदा अते दरबार सचखंड विच वी मूंह उजला हुंदा। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, सारे संसार दा जीवन रूप जो गोपाल है उहदा जस ही संत जना दी पूंजी है। गोपाल परमेश्वर दी जिहदा नाम जपना यही साडी पूंजी है बस। गुरु नानक देव जी सज्जन ठग दे कोल गए, सज्जन ठग कहण लग्या बड़ा चेहरा लाल है इन्हां दा, आ नालदियां दे बड़े, ये कोई राजकुमार लगते ने, इन्हां कोल जरूर हीरे मोती लकोए होने आ, इन्हां नूं आपां दुध विच जहर पा दिंदे आ, बाद विच लुट लवांगे। महाराज ने जब शब्द पढ़िया कपाट खोल दिते, फिर सिक्ख्या आई। सतगुरु कहिंदे सज्जन ठग नूं, कहिंदे साडे कोल कोई हीरे मोती नहीं, साडे कोल नाम रूप हीरा। इस करके सतगुरु आपां नूं इत्थे समझाउंदे कि संत जनां दी पूंजी की हुंदी है। संत महात्मा देखण नूं इक दो कपड़िआं च हुंदे ने, पूंजी उन्हां दी कोल जिहड़ी है वह नाम है, उन्हां दा बैंक किहड़ा परमात्मा ही है, सारा कुछ पूंजी सब कुछ नाम उही है। गोपाल दा जस ही संतां दा प्राण रूप है ते संत जिन्हां दी पूंजी रूप है। नानक उभरे नाम जप दर सच्चा है शाबाश, जो नाम नूं जप के तरे ने उन्हां नूं सच्चे दरबार विच शाबाश
प्राप्त होंगी, धनता योग की प्राप्ति होंगी। इस करके सतगुरु कहते ने तू भी गुण गा परमेश्वर दे गौड़ी राग च माझ जाति च पंजवें पातशाह फरमाते ने मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ जिंदू ए भाई तू हरी दे मिठे गुण गाउणा कर तू हरी दे मिठे गुण गाउणा कर मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ भी लग सकदा जिंदू तू ते विश्राम भी क्योंकि तू दिली दीपक है सच्चे सेती रतिया मिलिया नथावे थाओ रहाओ सच्चे नाम नाल तदाकार होण करके नथावियां बंदियां नूं भी दरगाह विच थां मिल जांदी है सरूप रूपी थां मिल जांदी है कोई मन दे टका नाल बैठ के बस एक रस सिमरन करी जावे तां सतगुरु कहिंदे उहनूं सारा कुछ हौली हौली मिल जांदा होर साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होए नाम तों बिना होर सारे ही स्वाद फिक्के ने इन्हां दे भोगण नाल तन मन भी फिक्का ही हुंदा है क्योंकि नाम जपण करके सारे स्वाद जिहड़े ने रसदायक हो जांदे ने होर स्वाद जिन्ने भी नाम तों बिना दुनिया लैंदी है ये फिक्के ही फिक्के ने विकारां वाले ने विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए परमेसर तो बिना जो होर नाल प्रीति करदा वह बंदा तो वह जीवन नूं फिटे मूंह कहिंदे और जीवन नूं ते जीवन वाले नूं भी फिटे मूंह क्यों महाराज इन्ना आप जी कहिंदे भई डांटना पैंदा ये नाम ही नहीं जपदे ये होर ही पासे लै खिच धू के न्याणे नूं किदां टीवी दे मूहरों खिच के ही लाउणा पैंदा चिंबड़ी जांदा टीवी दे नाल खेडां दे नाल पढ़ाई वाल तो देखता ही नहीं वह काम अखे घरदियां नूं कहिंदा तुसीं कर दिओ स्कूल का होमवर्क तुसीं कर दिओ मां बेचारी उहदा होमवर्क करन दी कई न्याणियां दा ते उह न्याणा टीवी देखी जांदा जां न्याणे खाण पीण ते ही लगे रहिंदे ने काम करके राजी नहीं हुंदे मां नूं कई बार ताड़ना भी पैंदा कुटना भी पैंदा न्याणा महाराज कहिंदे तुसीं भी जिवें न्याणे चिंबड़े गेमां नाल टीवी नाल तुसीं भी माया च चिंबड़े होए स्वादां विच पदार्थां विच फिर तुहानूं खिच के लाउणा पैंदा अंचल गह कै साधका तरना इहो संसार संतां दा उपदेश रूप पल्ला फड के संसार सागर तो तरना कर पार ब्रह्म आराध ही है उधरै सब परिवार परमेश्वर दा नाम जपण करके सारा परिवार ही तर जांदा बंदे दा जे परिवार आपां हुण सब दा भला करना भला तां हुण खिच तुप के हुंदा सारयां नूं सवा सवा लख मूल मंत्र दा पाठ लाया एतवार नूं कई कहिंदे कि डंडे नाल कराउने पाठ या कोई कहिंदा सानूं जबरदस्ती भी कराया जबरदस्ती पाप तां नहीं कराया है पाठ ही कराया पुन्न करा रहे थोड़े तो माड़ा काम तां नहीं करदे तो इस करके अपने न्याणे भी तां मसां ही धक्क धका के पढ़ते हैं न्याणे नूं कहो पड़ोसी जाओ तां कदे भी ना पढ़े हो जे आप पड़ोसा पड़ासी करते रहिए कोई नाम ना जपे थोड़ा बहुत तां खिंचना ही पैंदा सारयां नूं भी नाम जपो बई नाम जपे तो बिना मनुखा जन्म मिले नाम जप के मिलया होया थोड़ा बहुत कीता सी तां मनुखा दे ही मिल गई तो यह भी नहीं सी मिलनी साजन बंध सुमित्र सो हर नाम हिरदा दे मेरा सज्जन भी उही है मेरा रिश्तेदार भी उही है मेरा भरा भी उही है सो श्रेष्ठ मित्र भी उही है जो हिरदे च हरी नाम बसा दिंदा महाराज पैदा कहिंदे ते मेरा तो सारा कुछ है ही ओह जिहड़ा नाम जपावे साडे सिंह हुंदा सी महापुरखां नाल ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੁੱਪ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਠਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸਾਉਂਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੇ ਹੋ ਘਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਥੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
पहला तो कहने नाम ही मेरा खजाना माल धान घर। हुण कहिंदे ने हरी दे चरणां दा ध्यान करन नाल हाथी घोड़े प्रतख खजाना पिंड रहण लई घर निधियां खजाने सब मिल भी जांदा, पर है उहदा नानक जाचक दर तेरा प्रभ तुदनो मंगै दान। महाराज कथन करदे वाहिगुरु मैं तेरे दरवाजे दा मंगता, तेरे पासों ही दान मंगदा, तैनू दान मंगदा, इसलिए तू सानू प्राप्त हो। बस मैं प्रभ तुदनो मंगै दान, जिवें राजे दे दरवाजे ते खड़ीए राजा आ जाए, हां भी की चाहिए, कहदा तू ही आ जा तैनू ही मंगना। राजे नू ही दान विच मंग लिया, चल बई कहना चलीए परमेश्वर दे दर ते जाके। कहने पदार्थ ना मंगी, पदार्थ मुक जाणगे कल नू फिर मंगण तुरांगे, परमेश्वर नू ही मंग लै, तू ही आ जा बस मेरे, तू ही मेरे हिरदे च बैठ जा, फिर मैनू होर लोड़ नहीं, फिर होर कितों मंगना नहीं पवेगा, सब तेरी ही कृपा मेरे उत्ते हो जाएगी। इस तरह महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने अपने ते। सो 172 शब्द 218 अंग दे अखीर तक बख्शे ने, 219 अंग ते कल नू नौवें पातशाह बख्शिश करनगे। पहली बार नौवें पातशाह की बाणी आ रही है, कल श्रवण करांगे, सतगुरु कृपा करनगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन आठ पहर आरा दिया, आठ पहर आरा दिया, पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, वाहे गुरु 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 दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन